तो आज की ये सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां दो चरणों में होंगे उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव। तारीखों का ऐलान हो गया है और एबीपी गगर ने सबसे पहले आपको बताया था 4 और 11 मई को होगी निकाय चुनाव की वोटिंग। नगर निगमों में ईवीएम से चुनाव करवाए जाएंगे। और देखिए जिस तरीके से एबीपी गगर ने सबसे पहले आपको यह जानकारी दी थी कि 4 और 11 मई को निकाय चुनाव की वोटिंग हो सकती है, ऑफिशियल घोषणा उसकी हो गई है, दो चरणों में उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव होने हैं। 4 मई को और 11 मई को दो चरणों में उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव करवाए जाएंगे और 13 मई को जो नतीजे हैं निकाय चुनाव को वो घोषित किए जाएंगे। औपचारिक ऐलान हो चुका है निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर। और देखिए लंबा इंतजार किया जा रहा था और आज वो दिन जब निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि दो चरणों में जो निकाय चुनाव की वोटिंग है वो करवाई जाएगी। सबसे पहले 4 मई को जो वोटिंग है पहले चरण की वो करवाई जाएगी और उसके बाद 11 मई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। 13 मई को जो नतीजे हैं निकाय चुनाव के वो होंगे और 17 नगर निगम में जो ईवीएम है उससे वोटिंग करवाई जाएगी। ये भी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दी गई है। लाइव आपने सुना और तमाम जो जानकारी है चुनाव को लेकर वो भी जानकारी दी कि किस तरीके से जो नामांकन है वो करवाए जाएंगे, कब नामांकन की आखिरी तारीख होगी, कब कब चुनाव होंगे और किन किन बिंदुओं को लेकर विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा उसे लेकर भी जानकारी दी जाएगी। और वीरेश पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ब्यूरो चीफ। वीरेश जी आपके पास क्या अपडेट और कौन कौन से जो मुख्य बिंदु है आपके पास इस लिस्ट को लेकर जो अभी पीसीटी से लेकर क्या जानकारी? देखिए जो महत्वपूर्ण बातें की है उसमें अब हम कहें तो जो नगर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव होंगे वो बैलेट पेपर से होंगे। नगर निगम के 17 नगर निगम के चुनाव ईवीएम से होंगे, यानी ईवीएम और बैलेट पेपर। बैलेट पेपर की मांग लगातार चुनावों में, जब चुनाव हारती है भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष तो ईवीएम की बात होती है। तो ये चुनाव ऐसा है कि साहब इसमें ईवीएम भी है और बैलेट पेपर भी है। बैलेट पेपर नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव में और नगर निगम में ईवीएम का प्रयोग, यानी बड़े शहरों में ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा जहाँ पढ़े लिखे ज़्यादा मतदाता है ऐसा माना जा रहा है। तो वो एक नया चीज इसमें देखने को मिला। और जो बात अगर हम जिलों की करें तो 37 जिले प्रथम चरण में जहां मतदान होने हैं और 38 जिले दूसरे चरण में। मंडल वाइज अगर हम बात करें तो 9 मंडल यानी प्रथम चरण में 9 मंडल, द्वितीय चरण में भी यानी सेकेंड फेज में भी 9 मंडल और 13 मई। एबीपी गंगा ने सबसे पहले दर्शकों को बताया था कि साहब जब आएंगे मनोज कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो यही करेंगे, यही बताएंगे जो एबीपी गंगा के दर्शक पहले से जानकारी रख लें, जान लें कि दो चरणों में मतदान होना है। इसकी जानकारी एबीपी गंगा ने बता दिया था 4 और 11 मई को, 13 मई को जो है वहाँ मतगणना होगी और उस दिन रिजल्ट निकलेगा। तो साहब जो एबीपी गंगा ने दर्शकों को पहले बता दिया था उसी की घोषणा जो चुनाव आयोग है उन्होंने किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस में जिन जिन मंडलों के नाम एबीपी गंगा ने दर्शकों को बताया कि इस मंडल में प्रथम चरण में चुनाव होना है, इन जिलों में प्रथम चरण में चुनाव होना है, उन्हीं जगहों की बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई। यानी एबीपी गंगा एक बार फिर दर्शकों के जो विश्वास है उस पर खरा उतरा है और सबसे पहले उसने ये बताया है ये जिले हैं। और कई बार इस बात को दोहराया गया कि प्रथम चरण में फला जिला, द्वितीय चरण में फला जिला, फला मंडल, यानी वो बातें सारी उभर कर आई हैं। एक बार दर्शक जो बाद में जुड़े होंगे उनसे एक बार फिर जरूर बता दें कि प्रथम चरण में जो मतदान होना है उसमें मंडलों का नाम एक बार फिर एबीपी गंगा के दर्शकों को बता देता हूं। सहारनपुर मुरादाबाद मंडल, आगरा मंडल, झांसी प्रयागराज लखनऊ, देवीपाटन और गोरखपुर वाराणसी। द्वितीय चरण में जो चुनाव जहां पर होने हैं मतदान होने हैं मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर। ये मंडल हैं जो द्वितीय फेज में जहां पर चुनाव होंगे। अगर जिलों की बात हम कर लें तो प्रथम चरण में जिन जिलों पर जहां पर मतदान होना है वहां है शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, झांसी, जालौन, ललितपुर,
कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली और जौनपुर। यानी प्रथम चरण में मतदान होगा, उसमें लखनऊ भी होगा, गोरखपुर भी होगा, वाराणसी भी होगा और जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं उनके ज़िले में भी होगा, मुरादाबाद के ज़िले में भी होगा। द्वितीय चरण की अगर हम बात कर लें तो ज़िले बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें मेरठ है, हापुड़ है, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, बागपत, बुलंदशहर है, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, कानपुर नगर, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सोनभद्र, भदोही और मिर्जापुर। यानी द्वितीय चरण में इन जिलों पर मतदान होना है। अगर हम प्रथम जिले की बात कर लें, प्रथम चरण की बात कर लें तो वहाँ मुख्यमंत्री का कर्म भूमि है, वहाँ पर प्रधानमंत्री की कर्म भूमि है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कर्म भूमि है। और अगर हम द्वितीय चरण की बात करें तो वहाँ अखिलेश यादव का गढ़ है, वहाँ इटावा है, वहीं सैफई है, वहीं मैनपुरी है, वहीं कन्नौज है, बाकी सारे जो महत्वपूर्ण ज़िले हैं उन जगहों पर मतदान होना है। तो अगर हम इस लिहाज से पार्टी की अगर हम बात करें तो ये अगर हम मायावती के गाँव की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी पकड़ की बात करें, वो भी द्वितीय चरण में। अगर विपक्ष के कद्दावर नेताओं के इलाकों की अगर हम बात करें तो वो द्वितीय चरण में है, और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं की अगर हम बात करें तो उनके इलाके में जहां उनकी साख भी दांव पर लगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देना होगा, नगर निगमों में, नगर पंचायतों और नगर पालिका में ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कब्जा करना होगा, तो वो प्रथम चरण के ज़िले बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, उनके हाईकमान, उनके बड़े नेताओं के लिहाज से। और द्वितीय चरण की अगर हम बात करें उसमें समाजवादी पार्टी, बसपा की प्रमुख मायावती, इनके गृह जनपद, इनके ज़िले पड़ते हैं, कर्मभूमियाँ भी हैं जो इनकी पड़ रही हैं वहाँ पर, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये ज़िले। इसलिए जो बातें हैं, अमेठी भी है साहब इसमें द्वितीय चरण में, लगता है कि विपक्ष को बांट के रख दिया है, विपक्ष के जो कद्दावर इलाके हैं, यानी अमेठी भी है, अमेठी भी द्वितीय चरण में ही है। तो यानी कांग्रेस की हम बात कर लें, बसपा की बात कर लें और समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो इनकी जो मजबूत इनका जो बेल्ट है वो सारे द्वितीय चरण में, और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं का जो बेल्ट है वो प्रथम चरण में। लेकिन मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा या नहीं होगा, ये एक संभावना है कि किसकी कितनी तैयारी होगी, जितनी तैयारी होगी उतना ज़्यादा मुकाबला कड़ा होगा। लेकिन नगर निकाय के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से हमेशा से उसका मजबूत पक्ष रहा है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में जिस तरीके से अपना रिकॉर्ड बनाया था, उस रिकॉर्ड को खुद अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, संगठन के महामंत्री हैं, उनकी ये कोशिश लगातार इस बात की है कि अपनी बढ़त को ही तोड़ा जाए, क्योंकि विपक्ष क्या उस बढ़त को तोड़ पाएगा, ये बड़ा सवाल होगा। बड़ा सवाल इस लिहाज से होगा कि ये सेमीफाइनल है साहब, और सेमीफाइनल में जो परफॉर्मेंस होगा उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल, पार्टी के नेताओं का मनोबल, जो प्रत्याशी हैं, अगर हम बसपा की बात करें तो बहुत कुछ निर्धारित होगा कि प्रत्याशी कितना लोकसभा में टिकट मांगने आएंगे, क्योंकि 10 सीटें जो समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था 2019 में, उसमें बसपा तो जीत गई थी लोकसभा में, लेकिन जो 22 का विधानसभा का चुनाव जब उसे अकेले लड़ना पड़ा तो एकमात्र सीट बसपा ने चुनाव जीता था। ऐसे में क्या जो नगर निगम में उसने परफॉर्मेंस किया था पिछली बार, जो सीटें जीती थी, समाजवादी पार्टी से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस बसपा का नगर निकाय के चुनाव में था, क्या वैसा फिर बसपा उत्तर प्रदेश में दोहरा पाएगी? क्या अखिलेश यादव जिस तरीके से काशीराम और अंबेडकर के सहारे दलित वोट बैंक में मायावती के सेध मारी करना चाहते हैं, जाटव वोट बैंक में, हरिजन वोट बैंक में जो लगातार वो सेंधमारी करना चाहते हैं, क्या सफल होंगे? ये होगा, और बड़ा सवाल इस लिहाज से है कि विपक्ष की लड़ाई देखनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष की लड़ाई कौन लड़ता है, कौन है विपक्ष में, ये सबसे बड़ी भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी को हराने की भूमिका विपक्ष नहीं निभा रहा है, जो जमीनी हकीकत है। अगर ये बात हम कैमरे पर बोल रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे समर्थक होंगे जिन्हें बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जो परफॉर्मेंस है पिछले चुनाव का, जो परफॉर्मेंस है अन्य चुनावों का, जो परफॉर्मेंस है निकाय चुनाव का, वो सभी विपक्ष के नेता जानते होंगे कि निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना इतना आसान नहीं होगा।
न केवल वोटर्स के लिहाज से, शहरी मतदाता कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं और ज़्यादा उन्हें मतदान करते हैं, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो और नगर निकाय का चुनाव, नगर पंचायत, तो ये शहरी इलाका है, शहरी क्षेत्र है। अगर हम बात करें जो ग्राम प्रधानी और BDC और उस चुनाव की, तो उसमें समाजवादी पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ग्रामीण अंचल में समाजवादी पार्टी, बसपा, इनके काडर वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। विपक्ष जमीन पर मजबूत है वहां पर, गांव के इलाके में, लेकिन जब शहरों की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बढ़त बनाती है और ये परिणाम सबके सामने है। और केवल केवल मतदाता के लिहाज से नहीं, अगर जो निष्पक्ष तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान से लेकर जूनियर कमान तक और नीचे के कमान से लेकर मिडिल कमान तक सभी जितना मेहनत करते हैं निकाय चुनाव को लेकर, जो तैयारियां उनकी हुई हैं, वो लगातार जो दौरे हो रहे हैं, चाहे अमित शाह के दौरे हैं, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे हैं, प्रधानमंत्री के भी दौरे रहे, उसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनाव लड़ती है साहब। विपक्ष का ये आरोप भी है कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनाव लड़ती है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, जो काम करने वाले हैं, वो 365 दिन चुनाव लड़ते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो उत्तर प्रदेश की सियासत को समझता है, जो समाजवादी पार्टी के दफ्तर जाता है, कांग्रेस के दफ्तर जाता है, बसपा के दफ्तर का तो अता ही पता नहीं है, उस किले में घुसना आसान नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जाता है, उसे इस बात का एहसास होगा कि किस दफ्तर में किस लेवल पर काम हो रहा है। अगर कर्मठता और कार्यशीलता की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाएंगी ये पार्टियां, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें मजबूती की, तो शहरी इलाकों में निर्विवाद रूप से भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, और अपने कर्म के लिहाज से, अपने मतदाताओं के लिहाज से, रुझान के लिहाज से और इतिहास के लिहाज से। लेकिन रिजल्ट क्या होगा वो 13 मई को पता होगा। हम कोई ज्योतिषी तो नहीं है, बिल्कुल वीरेश जी, तो पूरा समीकरण भी आपने समझा दिया है कि क्या क्या समीकरण इन जिलों में रहने वाले हैं, निकायों में रहने वाले हैं, अब उन समीकरण पर कैसे काम करती हैं पार्टियां, वो भी देखने वाली बात होगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।